नमस्ते बच्चों, मैं अपा पब्लिक स्कूल से शीतल आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? मस्त मजे कर रहे हो ना? हाँ, वेरी गुड। मजे करते ही घर में ही रहना है हम सबको, बाहर नहीं निकलना है। इस कोरोना महामारी से हमें घर बैठ कर ही उसका मुकाबला करना है। तो बच्चों, आज मैं आपको हिंदी की पाठ पुस्तक में से पहला पाठ पढ़ाऊंगी, ठीक है बच्चों? तो उससे पहले मैं आप लोगों को आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के बारे में बताऊंगी। ये है हिंदी की कक्षा पांचवी के लिए आरंभ हिंदी पाठमाला की पाठ्य पुस्तक है बच्चों। यह पुस्तक बहुत ही सरल भाषा में शब्दों में दिए गए, कोई भी पढ़े तो इस आसानी से हम समझ सकते हैं। इसमें कोई क्लिष्ट शब्द नहीं है, ठीक है? तो पहले पिछले साल में आपने पढ़ा था ना, एक तरफ पठ्य पद्य थे और एक तरफ वर्कबुक था। तो इस बार वैसा नहीं है, इसके पाठ के पीछे ही आपको यहाँ लिखने के लिए, प्रश्न उत्तर लिखने के लिए जगह दी गई है, तो वहीं पे हमें लिखना है। तो आरंभ हिंदी पाठ माला में से आज मैं आप लोगों को पहला पाठ का अभ्यास करेंगे। वह पहला पाठ कौन सा है पता है आप लोगों को? वेरी गुड, वीर तुम बड़े चलो। इस कविता के बारे में हम आज पढ़ेंगे। पहला कविता वीर तुम बड़े। इस कविता के कवि कौन है पता है आपको? वेरी गुड, कौन है बताइए? वेरी गुड, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी इस कविता के कवि हैं। तो पहले बच्चों, इस कविता प्रारंभ करने से पहले कवि इस कविता के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। कविता के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करने के बाद कवि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे महेश्वरी जी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को हुआ, ठीक है? इनका जन्म कहाँ हुआ? गांव के, ये जिला आगरा में आता है, वहां पे इनका जन्म हुआ। बच्चों आपको पता है इनके बारे में, इनकी मृत्यु से पहले ही इन्होंने एक आत्मकथा लिख रहे थे। उस आत्मकथा का नाम है सीधी राह चलता रहा। ये आत्मकथा है। इन्होंने जब ये आत्मकथा लिख रहे थे तभी 2 घंटे पहले ये आत्मकथा पूरी करने के बाद ही इनकी मृत्यु हो चुकी। इनकी मृत्यु कब हुई? 21 अगस्त में इनकी मृत्यु हो चुकी। तो बच्चों, कवि इस कविता में कहना चाहते हैं, हम अपने इस कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि हम अपने जीवन में हर एक परिस्थिति की कठिनाई से हम सामना करते ही जाते हैं ना, तो उस कठिनाई को सामना करने समय बहुत सारी मुश्किलें आते हैं, उस सारे मुश्किलों को पार कर हमें अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ते ही जाना है। तो यह कविता हमें प्रेरणा देती है कि हमें निरंतर आगे बढ़ते ही जाना है, ठीक है? तो आपको आज अच्छा सा उदाहरण हम दे सकते हैं आप लोगों को। कोरोना की वजह से बहुत सारे काम रुके थे, लॉकडाउन हुआ था, सब कुछ हुआ था ना, तो भी सब काम का सब कुछ बंद हो चुका था। बाद में ऐसे ही बढ़ते ही जा रहे हैं ना, हम अपने अपने काम में लगे हुए, हम ऑनलाइन आपको क्लास ले रहे हैं, आप घर बैठे पढ़ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे चीज नए नए विज्ञानों की खोज कर करके हम बढ़ते ही जा रहे हैं निरंतर अपने
बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रहा इनकी जीवन परिचय। मैं आप लोगों को एक भारत माँ की तस्वीर दिखाती हूँ। इस तस्वीर से इस भारत माँ को आजाद करने के लिए बहुत सारे वीरों ने अपनी जान खोई थी। तो आप बता सकते हैं भारत माँ को हम स्वतंत्र पाने के लिए उन कौन कौन से वीर शहीद हुए, उनके नाम आप बता सकते हो? कोई एक या दो बता सकते हो? वेरी गुड, बिल्कुल सही समझा आपने। वो है महात्मा गांधी जी और भगत सिंह। ऐसे बहुत सारे वीरों ने अपने जान गवाकर हमें स्वतंत्र दिला दी और हम आज उनकी वजह से चैन की सांस ले रहे हैं और रात को अच्छी नींद पा रहे हैं। तो आज उनके लिए ही ये कविता प्रेरित है अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के लिए। कवि कहते हैं प्रेरणादायक ये कविता है। तो बच्चों आज हम वीर तुम बड़े चलो द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी ने लिखा हुआ कविता के बारे में आज हम पाठ करेंगे। तो बच्चों पहले मैं कविता पढ़ूंगी, मेरे साथ आपको भी दोहराना है, बाद में इस कविता के बारे में मैं आपका कुछ क्या क्या सवाल है कुछ समझ में नहीं आया तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, पहले हम कविता पढ़ेंगे, आप भी अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक निकाल कर मेरे साथ पढ़ना है। ठीक है बच्चों, बाद में हम इस कविता के सार के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलो तो चलो बच्चों कविता की ओर बढ़ते हैं। वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो, मेघ गरजते रहे मेघ बरसते रहे मेघ गरजते रहे मेघ बरसते रहे, बिजलियां तड़क उठे वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो, प्रातः हो कि रात हो प्रातः हो कि रात हो, संग हो ना साथ हो संग हो ना साथ हो, सूर्य से बड़े चलो चंद्र से बड़े चलो सूर्य से बड़े चलो चंद्र से बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो। बच्चों आप लोग भी दोहरा रहे हो ना मेरे साथ, वेरी गुड। तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको इस कविता के बारे में सार इस कविता का सार आपको समझाऊंगी। ठीक है, वीर यानी यहाँ पे बहादुर को कहा गया है, वीर यानी बहादुर ठीक है, हमें बहादुरी के साथ धैर्य के साथ अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ते ही जाना है निरंतर बढ़ते जाना है। हाथ में बजा पकड़कर, देखो बच्चों जैसे हम 15 अगस्त 26 जनवरी को हम अपने स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे दल बनाकर ध्वज सामने ध्वज पकड़कर कैसे दाएं बाएं करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, कैसे हम ध्वज की ओर से सलाम करते हैं, उसी तरह हम अपने ध्वज को हाथ में पकड़े हुए सीधे स्ट्रेट पकड़े हुए अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। ध्वज यानी झंडा, ये समानार्थक शब्द भी है बच्चों, ध्वज झंडा समानार्थक शब्द भी है, ये ध्वज झंडा वीर बहादुर समानार्थक शब्द भी है। इसका और एक अर्थ,
आता है ना उसको समानार्थक शब्द कहा जाता है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। सामने पहाड़ हो, पहाड़ आपके सामने, जब आप अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं तो हर तरह की मुसीबतें आपके सामने आते हैं, पहाड़ की तरह आके खड़े हो जाते हैं। उस पहाड़ को हमें छेद कर उससे आगे जाना है। जैसे जाना है, जंगल का राजा कौन है? सिंह यानी शेर। शेर कैसे जब आता है तो कैसे सब के सब जानवर छुप जाते हैं डर के मारे, उस तरह वैसी छवि हमें अपनी और बढ़ानी है। और हम चलते हैं तो सारे झुककर हमें सलाम करेंगे, निरंतर आगे बढ़ते ही जाना है, हमें कहीं भी रुकना नहीं है, अपनी लक्ष्य की ओर निरंतर जाना है, वहीं जाकर हमें ठहरना है और चैन की सांस लेनी है। तुम निडर हटो नहीं, निडर यानी साहसी। लीडर यानी साहसी को कहा गया है, तुम निडर डटो वही, डटो यानी अड़िग रहना। जो हम एक काम करते हैं ना उस काम को, उस कार्य को पूरा करके ही छोड़ना, उस काम होने तक वहीं पे टिके रहना, अड़िग कहा जाता है उसको, डटो यानी अड़िग रहना। डटो यानी अड़ीग रहना। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। बच्चों आपको कविता समझ में आ रही है ना? वेरी गुड। मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे। मेघ यानी है आपके सामने, आपकी जब कोई काम करने आप निकलते हैं तो बहुत सारे कठिनाइयां आती है। आंधी आने दो, तूफान आने दो, भूकंप आने दो, कुछ भी आने दो, अपना काम करना ही है। यह हम अपने जहन में रखकर ही हमें अपने कार्य की ओर बढ़ते ही जाना है, निरंतर अपने का आगे बढ़ने के लिए यह कविता हमें प्रेरणा देती है। जैसे हमारे सिपाही कैसे लड़कर हम आज चैन की नींद उनकी वजह से हम सोते हैं, है ना बच्चों? तो उनके लिए आप जोरदार दो तीन तालियां, उनके लिए गौरव के लिए उनके लिए दो तीन तालियां आपको बजानी चाहिए, ठीक है बच्चों? वेरी गुड। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। प्रातः हो कि रात हो, प्रातः यानी सुबह को कहा गया है। प्रातः सुबह, प्रातः सुबह कहा गया। संग हो ना साथ हो, संग यानी हमारे साथ रहना, एक दूसरे के साथ वैसे ही संग यानी साथ रहना। संग हो या धीर लोग लेते, बहादुर लोग जो रहते हैं ना उनको किसी की संग की साथ की आवश्यकता नहीं रहती, वो अकेले ही सबके लिए बहुत ही बड़े रहते हैं, बहुत भारी पड़ते हैं अकेले ही वो। तो धीर लोगों के लिए किसी की संग की साथ की आवश्यकता नहीं है, वो अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते ही जाते हैं। सूर्य से बड़े चलो, चंद्र से बड़े चलो। सूर्य प्रकाशमान, चंद्र भी प्रकाशमान, इस तरह आपको प्रकाश हर तरफ फैलाते हुए आपकी लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते हुए जाना चाहिए। इस तरह कवि कितने सुंदर सुंदर शब्दों से कवि कहते हैं कि वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। तो बच्चों यहाँ पे तुकांत शब्द भी है पोएम के बीच बीच में, तुकांत शब्द पता है आपको? तुकांत यानी राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है, तुकांत शब्द। बता सकते हो आप तुकांत शब्द कौन कौन से है? ध्वजा सजा, वेरी गुड, ध्वजा सजा। और आप बता सकते हो कविता देखकर, कविता में ढूंढकर आप बता सकते हो, झांट कर कौन कौन से हैं? पहाड़ दहाड़, पहाड़
दहाड़ और हटो डटो, हटो डटो। और बच्चों गरजते बरसते, और आपको आपको पता है तो आप भी बता सकते हो बच्चों, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को कविता समझ में आई होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो मैं और एक बार फिर से दोहराऊंगी, ठीक है। और एक बार हम कविता पढ़ेंगे, चलो बच्चों और एक बार हम कविता पढ़ लेंगे, आप भी मेरे साथ दोहराना है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे बाल दल सजा रहे, ध्वजा कभी झुके नहीं दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम इधर हटो नहीं तुम इधर डटो वहीं, वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो, मेघ गरजते रहे मेघ बरसते रहे, बिजलियां कड़क तड़क उठे, वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो, प्रातः हो कि रात हो संग हो ना साथ हो, सूर्य से बड़े चलो चंद्र से बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो। थैंक यू बच्चों।